दोस्तों, टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। ये टीवी शो बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का फेवरेट शो बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले इन अभिनेताओं की रियल लाइफ पत्नियां कौन हैं और क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 4 पर हैं श्याम पाठक। दोस्तों, यूं तो श्याम पाठक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपट लाल का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं इस शो में ये अपनी शादी ना होने का दुख भी अक्सर जताते रहते हैं। इस शो में अपनी शादी ना होने से परेशान श्याम पाठक की रियल लाइफ में शादी हो चुकी है और उनकी खूबसूरत पत्नी का नाम रेशमी है। साथ ही श्याम पाठक रियल लाइफ में 3 बच्चों के पिता भी हैं। नंबर 3 पर हैं मंदार चंदवादकर। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवादकर इस शो के अलावा मराठी के कई पॉपुलर शोज में भी काम कर चुके हैं, तो वहीं टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इनकी पत्नी माधवी है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी पत्नी का नाम स्नेहल पाधी है। नंबर 2 पर है शैलेश लोढ़ा। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शैलेश लोढ़ा सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति का किरदार निभाते हैं। इस शो में इस किरदार का नाम मेहता साहब है। आपको बता दें कि शैलेश को एक्टिंग के अलावा कविता लिखने का भी बहुत शौक है और ये एक प्रसिद्ध कवि भी है, तो वहीं इस शो में अंजलि और मेहता साहब की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी पत्नी का नाम सविता लोढ़ा है। साथ ही इनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं। अब अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर हैं दिलीप जोशी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिलीप जोशी जेठालाल की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं जेठालाल की जोड़ी दया के साथ काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा दिलीप जोशी टीवी इंडस्ट्री के और भी कई पॉपुलर शोज जैसे कि हम सब एक हैं, क्या कहना और दाल में काला है जैसे शोज में काम कर चुके हैं। लेकिन इनकी रियल लाइफ पत्नी की बात की जाए तो इनकी रियल लाइफ पत्नी का नाम जयमाला है। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेताओं में से आपको किस अभिनेता की कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।